नमस्कार, मैं हूं किंजल और ऑल्ट न्यूज़ के इस मंथ एंड वीडियो रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। अक्टूबर महीने में मीडिया चैनल्स ने अलग अलग त्योहारों को लेकर कई तरह के गलत दावे शेयर किए, साथ ही सोशल मीडिया पर भी कई तरह के गलत सांप्रदायिक दावे शेयर किए गए। इन सब के साथ साथ ऑल्ट न्यूज़ ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के चलते भाजपा के प्रॉक्सी फेसबुक पेज द्वारा शेयर किए गए सांप्रदायिक कंटेंट को भी डॉक्यूमेंट किया था। आज के इस मंथ एंड वीडियो रिपोर्ट में हम ऐसे ही कुछ गलत दावों की सच्चाई देखेंगे। देश में पिछले कुछ वक्त से हो रहे ट्रेन एक्सीडेंट्स को रेल जिहाद जैसी एक मनगढ़ंत थियोरी के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें कथित रूप से दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय ट्रैक के साथ छेड़छाड़ कर ट्रेन को पलटने की साजिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस थियोरी के समर्थन में कोई सबूत सामने नहीं आया है। इसी संदर्भ में ऑल्ट न्यूज ने इस महीने के पहले ही दिन ये फैक्ट चेक रिपोर्ट पब्लिश की थी। दरअसल ये तस्वीर शेयर करते हुए कहा गया कि रामपुर के मुस्लिम कॉलोनी के पीछे से गुजर रही रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को पलटने के उद्देश्य से आतंकवादियों ने लोहे का खंभा रख दिया था। कुछ यूजर्स ने ये तस्वीर शेयर करते हुए इस ओर इशारा किया कि इस रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग रहते हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने इस घटना को रेल जिहाद बताया। बहरहाल नवभारत टाइम्स ने एक रिपोर्ट में मुरादाबाद के रेलवे पुलिस उपाधीक्षक अनिल कुमार वर्मा के हवाले से बताया कि बिलासपुर और रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशनों के बीच पटरी पर 6 मीटर लंबा खंभा पड़ा था। इस मामले में सनी उर्फ सानिया उर्फ संदीप चौहान और बिजेंद्र उर्फ टिंकू को गिरफ्तार किया गया। दोनों रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों ट्रैक के पास शराब पीने आए थे और उन्होंने ये लोहे का खंभा चुराने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की आवाज सुनकर पटरी पर ही खंभा छोड़कर भाग गए थे। यानी घटना में कोई साजिश की बात सामने नहीं आई है और न ही दोनों आरोपी मुस्लिम हैं। हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में हिंदू देवता शिव के मंदिर का ये सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। दरअसल वहां पर शिव के मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। इस घटना का ये सीसीटीवी फुटेज शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ने इस ओर इशारा किया कि इस घटना में मुस्लिम व्यक्ति शामिल है। कुछ राइट विंग यूजर्स ने भी ये फुटेज शेयर करते हुए ऐसा ही दावा किया और राज्य में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर चिंता जाहिर की। लेकिन जांच में सामने आया कि मंदिर में हुई इस तोड़फोड़ की घटना में निशा देवी नामक एक महिला शामिल थी, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। DSP कांगड़ा ने इस मामले पर ये बयान दिया था। उसमें इन्फॉर्मेशन में ये था कि गांधी ग्राउंड के पास स्थित जो शिव मंदिर है उसकी शिवलिंग को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। मैटर काफी सेंसिटिव था। इमीडिएटली हमने नगरोटा थाने में FIR दर्ज करके 298 BNS सेक्शन लगा, उसमें हमने कार्रवाई शुरू कर दी। फुटेजेस के आधार पर ही हमें ये चीज मालूम हुआ कि इसमें एक लेडी इन्वॉल्व थी इस सारे के सारे इंसिडेंट के पीछे। ये जो इंसिडेंट अकर हुआ वो तकरीबन 3:30 से 4 बजे सुबह हुआ था, और ऐसे ही हमने जो फुटेजेस से कुछ और क्लूज गैदर किए और एक ट्रेल बनाई। ट्रेल के आधार पर हमने योल के पास से एक 35 वर्षीय महिला जिसका नाम निशा देवी है उसको जो है डिटेन किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली की स्पीच का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। भाजपा IT सेल हेड अमित मालवीय ने यह वीडियो क्लिप ट्वीट की और कहा कि महबूब अली ने यह कहा है कि अब मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और इस कारण भाजपा का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे, ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए हैं उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर। कई मीडिया संगठनों ने ऐसे ही दावे के साथ रिपोर्ट्स पब्लिश की। वहीं आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने अपने शो के दौरान ऐसा ही दावा किया। महबूब अली ने चुनावी भाषण के दौरान मुसलमानों की आबादी का हवाला देकर एक बड़ा दावा किया। महबूब अली की माने तो मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है और मुस्लिम आबादी बढ़ने का मतलब है BJP की हार।
आखिर मजहब के नाम पर महबूब अली जैसे नेता अपनी सियासी दुकान कैसे चला रहे हैं देखिए। देखते ही देखते बिजनौर पुलिस ने महबूब अली के खिलाफ इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली थी। हालांकि जब ऑल्ट न्यूज ने महबूब अली के भाषण का पूरा हिस्सा सुना तो पाया कि वायरल दावा गलत है। दरअसल वो अपनी स्पीच में ये संदर्भित कर रहे थे कि कैसे राइट विंग यूजर्स मुसलमानों की बढ़ती आबादी के नैरेटिव को इस्तेमाल कर डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति मुल्क में अमन चाहता है, हर व्यक्ति मुल्क में शांति चाहता है, हम भाईचारा मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। अमन परस्ती से ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन कहीं कुछ लोग आते हैं। अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ जाओ अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, जब और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जा चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाल्लाह हम आएंगे जरूर। इन सब के बीच ये तस्वीर शेयर करते हुए कहा गया कि एक ब्राह्मण पंडित दुल्हन को इस तरीके से आशीर्वाद देते हुए दिखे। ये इमेज शेयर करते हुए हिंदू रीति रिवाज पर निशाना साधा गया। हालांकि जब ऑल्ट न्यूज ने इस मामले में छानबीन की तो पाया कि ये तस्वीर दक्षिण भारतीय शादी की है और तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति लड़की के पिता है न कि पंडित। 16 अक्टूबर को गाजियाबाद के एक घर में काम करने वाली महिला को खाने में पेशाब मिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो गया और साथ में ये दावा किया गया कि ये महिला मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई है। इंडिया टीवी ने इस घटना को यूरिन जिहाद बताया और तो और इस मामले पर खबर पब्लिश करते हुए हिंदुस्तान ने FI में महिला को हिजाब में दिखाया। ऑल्ट न्यूज ने जब इस मामले में छानबीन की तो पाया कि घरेलू काम करने वाली इस महिला का नाम रीना कुमारी है और उसके पति का नाम प्रमोद है। FIR में भी यही नाम बताया गया है। यहाँ ये बात तो साफ हो जाती है कि ये महिला मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। रीना ने ऐसा अपने मालिक से बदला लेने के लिए किया था क्योंकि वो उस पर कड़ी नजर रखते थे। फ्लाइट के अंदर झड़प का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। ऑल्ट न्यूज ने जांच करते हुए पाया कि ये घटना साल 2022 की है। बैंकॉक से कोलकाता जाने वाली फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट द्वारा कहे जाने पर भी एक पैसेंजर ने सीट अपराइट नहीं की थी, जिस वजह से ये विवाद हुआ था। जांच करते हुए मालूम हुआ कि इस घटना में आरोपी और पीड़ित दोनों ही मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए थे। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के चलते ये वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर यह दावा चलाया गया कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं को 25-25 करोड़ रुपए दिए गए और ये वीडियो ऐसे ही पैसे ले जा रही गाड़ी का है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के MLA रोहित पवार ने ये वीडियो ऐसे ही क्लेम के साथ पोस्ट किया। वहीं News24 ने भी ये वीडियो कुछ ऐसे ही क्लेम के साथ ट्वीट किया है। हालांकि ये वीडियो पुराना है, साल 2021 से सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावों के साथ इसे शेयर किया जा रहा है। वहीं इस वीडियो का हाल या किसी घटना से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू त्यौहार करवा चौथ के मौके पर जहां हिंदू महिलाएं अपने पति के लिए उपवास रह रही थी, वहां करोल बाग में बजरंग दल के नेताओं ने मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाए जाने पर हंगामा खड़ा किया था। सोशल मीडिया पर भी इस घटना का वीडियो वायरल हुआ था। ऑल्ट न्यूज ने इस घटना के बारे में डिटेल में ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। वहीं भाजपा के प्रॉक्सी पेज महाबिगाड़ी के बारे में ऑल्ट न्यूज ने डिटेल में ये रिपोर्ट पब्लिश की थी। हमने पाया था कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के चलते ये पेज विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हुए लगातार सांप्रदायिक कंटेंट शेयर करता है।